हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों सब्सक्राइबरों का स्वागत करते हुए आज एक बहुत ही यूजफुल जो प्रायः हम स्पोकन में यूज करते हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को प्रस्तुत करने के लिए आपको हम एक न्यू टिप्स देने का प्रयास कर रहे हैं। जो एडवांस स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसे आप देखें, फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो मित्रों, इन्हीं सारे वाक्यों के क्रम में जो हमारे इस समय एक्सप्रेशन चल रहे हैं, जो अभियान हमने चला रखा है एडवांस स्ट्रक्चर के लिए, तो बहुत यूजफुल टॉपिक है। प्रायः हम लोग यूज करते हैं, बहुत हो गया अब डींग मत मारो, बहुत हो गया अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया अब पढ़ना बंद करो। तो मित्रों, जब बहुत हो गया, अक्सर हमेशा बोलते हैं कि बहुत हो गया, यदि ऐसे वाक्य आपके समक्ष मिले तो हम अचानक रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि मुझे सोचना पड़ता है यार अब हाउ टू एक्सप्रेस। तो मित्रों, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें और आइए हम देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों, ऐसे वाक्य जिनमें होता है बहुत हो गया। तो ध्यान दीजिए, बहुत हो गया के लिए हम सब लिखते हैं, जब हमारा वाक्य होगा बहुत हो गया, तो बहुत हो गया जब हम लिखेंगे इट इज एनफ, इट्स एनफ, जिसको हम इट इज एनफ भी बोलते हैं। मित्रों, इसको हम सब पहले लिखेंगे बहुत हो गया के लिए। इट इज एनफ लिखने के बाद हम लिखेंगे इट्स एनफ लिखने के बाद हम लिखेंगे सीधे नाउ, और नाउ के बाद लिखेंगे आपका जो भी सेंटेंस होगा कंप्लीट सेंटेंस। ये मित्रों आप ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्लीट सेंटेंस हमने लिखा है किसी भी सेंटेंस का हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इम्परेटिव किसी में भी हो सकता है। तो आपको इसे देखना है, फॉलो करना है कि किस प्रकार का वाक्य है, इसको एक्सप्रेस करके ही इसके इंट्रोड्यूस के बाद ही आपको वाक्य लिखना है। इट इज एनफ प्लस नाउ और लास्ट लिखना है कंप्लीट सेंटेंस। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज कीजिए मित्रों, कहना है बहुत हो गया, आप हिंदी लिखेंगे बहुत हो गया अब खेलना बंद करो, आप देख रहे हैं वाक्य लिखा है बहुत हो गया अब खेलना बंद करो। तो बहुत हो गया के लिए आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं इट्स एनफ, इसको हम इट इज एनफ भी पढ़ेंगे, इसके बाद कामा लगाएंगे और लिखेंगे नाउ, अब के लिए नाउ, फिर सेंटेंस है, सेंटेंस लिखा है खेलना बंद करो, आप जानते हैं पढ़ना बंद करो, सुना बंद करो, जाना बंद करो, आना बंद करो, बात करना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। तो मित्रों, ऐसे वाक्यों को हमने आपको पढ़ाया है किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। जो हमारे न्यू व्यूअर हों तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बार मेरे पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत यूजफुल और सरल इजी टिप्स के अनुसार हमने आपको ट्रांसलेशन का पूरा कंप्लीट ग्रामर दिया है। ट्रांसलेशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, और इंटरमीडिएट के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है UPMP हर्षगढ़ जो है सिलेबस के अनुसार पूरा ग्रामर इसमें इंक्लूड है। तो मित्रों आइए, बहुत हो गया अब खेलना बंद करो, बहुत हो गया के लिए आप समझ रहे हैं इट्स एनफ, या आप इसको ऐसे पढ़ेंगे इट इज एनफ, कामा लगाएंगे, आप के लिए लिखेंगे नाउ, अब नाउ के बाद आपको लिखना है अब खेलना बंद करो। तो स्टार्टिंग आप कैसे करते हैं, डोंट डोंट प्लेइंग, क्या खेलना बंद करो, सॉरी अब खेल खेलना बंद करो, डोंट प्लेइंग गेम। तो आपने देखा क्या स्थिति है, बहुत हो गया इट्स एनफ, नाउ
खेल खेलना बंद करो, डोंट प्लेइंग गेम, बंद कर दो, बंद करो, बहुत हो गया, डोंट प्लेइंग गेम, खेल खेलना बंद करो, अब बहुत कुछ हो गया। तो मित्रों इसी क्रम में हम एक और देखते हैं, या यहां पर खेलना की जगह मित्रों हम इसको डोंट प्लेइंग गेम से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डोंट की जगह यहां पर स्टॉप भी लिख सकते हैं, स्टॉप प्लेइंग गेम, खेल खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग गेम, तो आप स्टॉप भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिखूं बहुत हो गया, आप पढ़ना बंद करो, बहुत हो गया, अब पढ़ना बंद करो, फिर आप कैसे करेंगे? सेम वही स्ट्रक्चर है, इट इज एनफ, कॉमा लगाएंगे, नाउ पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग, या स्टडिंग भी कर सकते हैं आप। तो मित्रों बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूं बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, ध्यान दीजिए मैं वाक्य पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो आप कैसे करेंगे? यहां मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बहुत हो गया, कि आप पुनः वही लिखेंगे, इट इज एनफ, कमा लगाएंगे, नाउ चुप हो जाओ, तो आप लिखेंगे नाउ कीप क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, नाउ कीप क्वाइट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज एनफ नाउ बी साइलेंट, शांत हो जाओ, या कीप क्वाइट। तो मित्रों कुछ भी नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आप लिखना है बहुत हो गया के लिए इट इज एनफ या इट्स एनफ, कमा लगाएंगे, नाउ, इसके बाद जिस भी सेंटेंस का वाक्य है, सपोज कीजिए अगर वह बहुत हो गया, अब मैं नहीं नहीं जाऊंगा, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जो हमारे नए व्यूअर हो उनको कंफ्यूज ना हो, बहुत हो गया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बहुत हो गया, अब मैं किरण से साथ क्रिकेट नहीं जाऊंगा, खेलूंगा। तो मित्रों ऐसी स्थिति में अगर आप होता है वाक्य, सपोज कीजिए बहुत हो गया, देखिए सेंटेंस में चेंज कर रहा हूं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मित्रों। अब यहां पर आपको देखना यह है कि बहुत हो गया है तो वही है इट्स एनफ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, इट मीन्स ए फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, यहां आप कुछ भी से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं किरण से बात नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, बहुत हो गया, मैं अब किताब नहीं पढ़ूंगा, बहुत हो गया, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, बहुत हो गया, मैं नहीं सोऊंगा। तो मित्रों इस प्रकार से किसी भी तरह का वाक्य हो सकता है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंपरेटिव, तो आप उसकी उसी टेंस का अनुवाद करेंगे, बाकी कुछ करना नहीं आपको। तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत हो गया, ये तो आप देख ही रहे हैं, इट इज एनफ या इट्स एनफ, कमा, नाउ, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, आई शैल या तो विल, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में विल हर जगह चल रहा है, आई विल नॉट कम टू यू या कम टू योर हाउस, योर होम, तो तुम्हारे पास है, आई विल नॉट कम टू यू होगा, फिर तुम्हारे घर होता तो ये हो, आई विल नॉट कम टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो मित्रों ये कहें कि तुम्हारे घर होता तो आई विल नॉट कम टू योर हाउस, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट रीड द बुक, I will not read the Ramayana, Mahabharat, Gita, जो भी है, that's okay. तो by such expressions we may use the such types of sentences by fluently English. तो आप देख रहे हैं ऐसे वाक्यों को बहुत हो गया, अब हम इस तरह से बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा मित्रों,
अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।